हाँ यार एवरीवन, आप सबका फिर से एक नई वीडियो पर दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो जो भाई लोग माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड का यूज करते हैं ना, उन भाई लोगों के लिए काफी बेड न्यूज आ चुकी है। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड यहाँ पर दिन ब दिन काफी यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड स्पेम होता जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड का आप देख सकते हो कितना घटिया अपडेट आया है यहाँ पर। जैसे मैंने यहाँ पर रिडीम लगाया ना, तो आप देख सकते हो योर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अकाउंट हैज बीन सस्पेंड, कुछ इस तरीके का हमारे पास यहाँ पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, यदि आपके भी अकाउंट में इस तरह का जो आपको देखने को मिलता है माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, तो आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके जरिए आपका अकाउंट यहाँ पर रिकवर हो सकता है। दोस्तों मैंने यहाँ पर तीन अकाउंट के अंदर मैंने यहाँ पर रिडीम लगाया था, तीनों के तीन अकाउंट मेरे यहाँ पर बैन हो चुके थे। जब मैंने यहाँ पर 500 रुपये का रिडीम लगाया तीनों अकाउंट के अंदर, तो तीनों के तीनों यहाँ पर सस्पेंड हो चुके थे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर 1500 रुपये ऐसे छोड़ने वाला नहीं था। मैंने यहाँ पर पूरा दिन रात यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को इतने ईमेल किए, इतने ईमेल कि यहाँ पर दो अकाउंट को रिकवर तो मैंने यहाँ पर कर लिया, और जो उन्होंने उनके अंदर मैंने 500 का गिफ्ट कार्ड लगाया था वो मुझे वापस मिल चुका है। तो दोस्तों यदि आपके भी अकाउंट बार बार बैन हो रहे हैं, तो आपको करना कुछ नहीं, जो भी अकाउंट आपका बैन हो चुका है सिंपली आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद पहले आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ कि आपका अकाउंट यहाँ पर बैन हो चुका है, और नीचे इसका एग्रीमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के रूल के खिलाफ यहाँ पर आपने कार्य किया, यहाँ पर ये सब जो लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान कुछ इस पर ध्यान नहीं देना, तो सिंपली आपको नीचे नीचे आना, और नीचे नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कॉन्टैक्ट माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड सपोर्ट, तो सिंपली आपको क्लिक करना है कॉन्टैक्ट माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड सपोर्ट पर। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो, तो आपको यहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम बता देनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को। जब आप बार बार यहाँ पर ईमेल करोगे माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को, मैं यहाँ पर अपने 1500 रुपये वापस लेने के लिए यहाँ पर हर रोज यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को रीट्वीट करता था, हर रोज यहाँ पर रीट्वीट करता था। तो दोस्तों यदि आपके भी अकाउंट बैन हो चुके हैं और आप भी अपने पैसे वापस लेना चाहते हो, तो भाई देखो यार करना होगा। मैंने यहाँ पर तीन अकाउंट में से दो अकाउंट का पैसा मैंने यहाँ पर ले लिया, और एक अकाउंट और बच रहा है उसमें अभी भी मैं फिलहाल कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर उसके अंदर यहाँ पर लेकर रहूंगा मैं। तो मैंने फर्स्ट वाले के अंदर भर दिया कि माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अकाउंट सस्पेंड, तो हमारे यहाँ पर अकाउंट सस्पेंड हुआ, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में अकाउंट सस्पेंड प्रॉब्लम भर दी है। इसके नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा एंड लास्ट नेम यहाँ पर आ जाएगा, और आपकी यहाँ पर जीमेल आईडी आ जाएगी। यही सेम जीमेल आईडी आपको यहाँ पर फिल करनी है, तो यही सेम जीमेल आईडी मैंने यहाँ पर फिल कर दी है, और अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है। तो मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है, नीचे नीचे आपको क्लिक करना है अकाउंट एंड प्रोफाइल, क्योंकि हमको यहाँ पर अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम है, रिडीम में प्रॉब्लम नहीं, अकाउंट के अंदर है, क्योंकि अकाउंट रिडीम के समय हमको यहाँ पर अकाउंट में हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम है, अकाउंट हमारे यहाँ पर बैन हो गया है। तो हमको यहाँ पर फर्स्ट वाले में भर दिया मैंने यहाँ पर अकाउंट एंड प्रोफाइल, सेकंड वाले पर जैसे ही टिक करते हैं तो ऊपर ऊपर आपको शो कर जाएगा अकाउंट सस्पेंड एंड, सिंपली आपको फर्स्ट वाले पर क्लिक करना है, और नीचे आपको टाइम जोन सेट करना है थर्ड वाले के अंदर। टाइम जोन मैं आपको हर रोज बताता हूँ यहाँ पर कि आपको अपना जो इंडिया वाला टाइम जोन है यहाँ पर चेन्नई कोलकाता मुंबई न्यू दिल्ली वाला आपको सेट करना है। तो टाइम जोन हमने यहाँ पर सेट कर लिया है दोस्तों। टाइम जोन सेट करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी प्रॉब्लम बता देनी है। मैं यहाँ पर हर रोज माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को रीट्वीट करता हूँ ताकि हमारा माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अकाउंट चालू हो जाए। तो मैंने यहाँ पर आपको काफी बताया कि तीन में से मेरे दो अकाउंट रिकवर हो चुके हैं, और मेरे को यहाँ पर दोनों अकाउंट के यहाँ पर रिडीम कोड भी यहाँ पर मेरे को मिल गए। तो इसके अंदर आपको क्या फिल करना है बिना टाइम गवाई, हम यहाँ पर फटाफट से आपको मैं बता दूँ इसके अंदर आपको क्या फिल करना है। आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेना, तो मैं यहाँ पर फटाफट से अपनी फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरी जो भी प्रॉब्लम थी मैंने यहाँ पर फिल कर दी, और अभी आपको आगे मैं यह भी बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड में कौन सी दो गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आपका अकाउंट यहाँ पर बैन नहीं होगा। यदि आप उन दो के अंदर आप छोटी सी भी गलती कर देते हो, तो आपका अकाउंट यहाँ पर 100% बैन होने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर डाल दिया कि हेलो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड सपोर्ट टीम, प्लीज माई माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अकाउंट रिकवर, डू नॉट योर एग्रीमेंट रूल वर्क। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर आपके एग्रीमेंट के खिलाफ अब कोई कार्य नहीं करेंगे, और नीचे मैंने यहाँ पर डाल दिया थैंक यू की। तो ये सब डालने के बाद आपको क्लिक कर देना है यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन पर, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम थी वो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड की टीम तक सबमिट हो जाएगी। और यदि आप अपना नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हो यहाँ पर, तो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी यहाँ पर कर लेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर आपको देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर थैंक यू के हमारे यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, योर रिक्वेस्ट वाज सबमिट, तो हमारे यहाँ पर जो भी प्रॉब्लम थी वो माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड की टीम तक हमारे यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो दोस्तों बात कर लेते कि कौन सी आपको दो गलती नहीं करनी जिसकी वजह से आपका यहाँ पर अकाउंट बैन नहीं होगा। यदि आप दो गलती आप कर देते हो, तो आपका यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड का अकाउंट यहाँ पर बैन हो जाएगा, और आपको कोई गिफ्ट कार्ड यहाँ पर नहीं मिलने वाला। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपको यहाँ पर किस प्रकार यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अकाउंट को यहाँ पर रिकवर करना है। तो दो बड़ी गलती आपकी है कि आप जब भी एक बार रिडीम लगाओ ना, तो आपको यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक टैब के अंदर अपने माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड अकाउंट को खोलकर रिडीम नहीं लगाना, आपको रिडीम लगाना है न्यू टैब के अंदर खोलकर। यदि आप इसके अंदर आप रिडीम लगा देते हो ना, तो फिर आपका ना तो कोई कोड आएगा, और आपका अकाउंट यहाँ पर टेम्परेली रिसीव्ड बता देगा, या फिर यहाँ पर आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। तो दोस्तों एक तो सबसे बड़ी गलती है, और दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गलती है कि जब आप रिडीम करते हो तब आपके पास यहाँ पर मोबाइल नंबर मांगता है। दोस्तों आजकल यहाँ पर पुराने अकाउंट के अंदर भी मोबाइल नंबर मांगता है, तो पुराने अकाउंट के अंदर आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो मोबाइल नंबर आपने पहले दिए थे, जो मोबाइल नंबर का यूज आपने पहले किए थे, वही आपको मोबाइल नंबर का यूज आपको पुराने वाले अकाउंट के अंदर करना है। तो दोस्तों ये दो गलती है जिनकी वजह से आपके अकाउंट यहाँ पर बैन हो सकते हैं। तो ये दो गलती आप भूल कर भी कभी मत करना। मैं नहीं चाहता कि भाई आपका अकाउंट यहाँ पर बैन हो जाए, क्योंकि मेरे भी यहाँ पर भाई काफी अकाउंट बैन हुए हैं। और दोस्तों आप काफी लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि भाई मल्टीपल अकाउंट चलाकर कैसे पॉइंट ग्राइंड करें। मैं ये चलाता हूँ देख भाई कम से कम यहाँ पर 50 से 60 अकाउंट, और हर रोज यहाँ पर हर के अंदर यहाँ पर मात्र 1 से 1.5 घंटे के अंदर यहाँ पर अपने पॉइंट ग्राइंड कर लेता हूँ। तो दोस्तों यदि आप भी जानना चाहते हो कि मल्टीपल अकाउंट किस प्रकार बनाकर यहाँ पर पॉइंट ग्राइंड करते हैं, मैं अपने अकाउंट को बार बार यहाँ से लॉग इन और लॉग आउट नहीं करता हूँ दोस्तों, मैं अलग ही ट्रिक है जो यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड में रिडीम करता हूँ।
एक तो मैं यहाँ पर हर रोज माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड के अंदर रिडीम करता हूँ और हर रोज यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के अंदर अपने सारे पॉइंट यहाँ पर ग्राइंड कर लेता हूँ। यदि आप भी जाना चाहते हो तो दोस्तों कल की वीडियो आप जरूर देख लेना, कल मैं एक वीडियो अपलोड करूंगा आप सबके लिए और एक 8150 पॉइंट कैसे कंप्लीट करें उसकी भी मैंने डेडिकेट वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हमारी कल की वीडियो आप तक जरूर पहुँच सके। काफी लोग कमेंट करे कि भाई आप यहाँ पर मल्टीपल अकाउंट कैसे चलाते हो यार, हर रोज आप रिडीम करते हो, भाई हमें भी आप ट्रिक बता दो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नहीं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के जनरल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। दोस्तों ये सब प्रोसेस करने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पर रिकवर हो जाएगा, आपको 7 दिन यहाँ पर वेट करना है, 7 से 8 दिन आप जैसे वेट करोगे तो आपका अकाउंट यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। लेकिन जैसे आप 7 से 8 दिन यहाँ पर वेट करते हो तो आपके ईमेल पर एक मैसेज आ जाएगा, आप वहाँ से यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जोड़ की टीम से बात करके आप यहाँ पर अपने अकाउंट को हैंड टू हैंड आप यहाँ बिना किसी वेट करके आप यहाँ पर अपने अकाउंट को रिकवर करवा सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।